आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में जल आपूर्ति योजना का किया उद्घाटन, कहा जल विद्युत और सोलर ऊर्जा क्षेत्र में भारत सबसे आगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला करेगा आलाकमान, प्रभारी अजय माकन 28-29 जुलाई को विधायकों से करेंगे चर्चा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक दौरे पर, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लिया फीडबैक। सावन का पहला सोमवार कल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त करेंगे भगवान का जलाभिषेक। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 जुलाई को भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। उनकी ये यात्रा कई मायनों में अहम है। अमेरिका के विदेश मंत्री की यात्रा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनागाहों के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाने की जरूरत पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान से अमेरिका सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तो अमित शाह अभी 2 दिनों के दौरे पर हैं मेघालय में। इस दौरान उन्होंने मेघालय के क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र, वनीकरण परियोजना और जल आपूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। शिलांग में असम राइफल्स के मुख्यालय का दौरा किया। शाह ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यदि पानी का स्रोत शुद्ध नहीं है तो मानव स्वस्थ नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत देश की आज़ादी के 75 वर्ष व मेघालय के 50 वर्ष पूरे होने तक देश व मेघालय के दुर्गम क्षेत्रों के हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिया है। चलिए बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा दौरे पर रहे। गोवा प्रवास पर नड्डा ने सांसद और विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से चलाई जा रही जन कल्याण योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे आदमी को भी मिल सकता है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश के मन की बात समझी गई होती तो उन्होंने टीकाकरण की गति पर सरकार से सवाल पूछने के लिए वेयर आर वैक्सीन हैशटैग का इस्तेमाल किया। गांधी ने कथित धीमी टीकाकरण दर और मीडिया खबरों का उल्लेख करते हुए एक वीडियो भी साझा किया। कांग्रेस संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने आज राजस्थान में जयपुर पीसीसी में आज विधायकों और मंत्रियों से खास मुलाकात की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक लेने के बाद अजय माकन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की हम निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिपरिषद और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के बारे में चर्चा की जा रही है। सियासी नियुक्तियों को लेकर भी माकन ने मीडिया को बताया। और दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूँ और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहाँ पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे सीधे जो है AICC को पता होना चाहिए। हम संज्ञान लेना चाहते हैं और इसलिए हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉरपोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। वही राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने कहा कि RPSC परीक्षा को लेकर डोटासरा पर बेवजह आरोप लगे हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा RSS के खिलाफ आक्रामक हैं, इसलिए डोटासरा के खिलाफ BJP के नेता बयान दे रहे हैं। मैं 28 और 29 को फिर जयपुर आ रहा हूं, सभी विधायकों से तब और मिलूंगा। वेणुगोपाल ने कहा कि सब अच्छा होगा, प्रोग्रेस में सारी बातें हैं। वहीं इससे पहले सचिन पायलट के PCC पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि दोतासरा जी के बेटे और इनकी पुत्रवधू दोनों के दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने उन्होंने अंक पाए, तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1 वर्ष पुराने भी उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था, तो अब क्यों कर रहे हैं?
सिर्फ इस वजह से कि दोतासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहाँ पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और ये भाजपा के मंसूबे कभी भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, और हमारे नेताओं के ऊपर उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, ये हम लोग भाजपा के लोगों को हम कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं सचिन पायलट की। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान पायलट का जगह जगह स्वागत किया गया। कौथुन पहुंचने पर कांग्रेस निर्वतनाम जिलाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके बाद पायलट टोंक पहुंचे। टोंक में पायलट ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक ली। सचिन पायलट ने बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। वहीं रिटायर्ड मेजर अनवर शाह खान के आवास पर पहुंचकर उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स कर्मचारी की कार से 14 लाख की नकदी की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने 13,40,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि बदमाशों ने आर्थिक तंगी के चलते इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। भारतीय सीमा सुरक्षा बलों के तोपखाने के गठन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 50 वर्ष पर पूर्ण होने पर भारत सरकार ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। ये साइकिल रैली गुजरात के भुज क्षेत्र से पंजाब के वाघा बॉर्डर तक जाएगी। ये साइकिल रैली जो भुज से 16 जुलाई को रवाना होकर 15 अगस्त को अटारी बॉर्डर पर पहुंचेगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झंडारोहण के साथ इसका समापन होगा। साइकिल रैली के आलम नगरी बाड़मेर के धोरीमना पहुंचने पर युवा सरपंच मनोहर तेतरवाल के नेतृत्व में सेना के वीर जाबाजों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोलेनाथ का प्रिय महीना या कहें श्रावण मास का आगाज हो चुका है। 26 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार रहेगा। इस बीच कोरोना के चलते प्रदेश भर के शिवालयों में कई तरह की पाबंदियां नजर आएंगी। भक्त कुछ दूरी से ही दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर पाएंगे। वहीं कावड़ यात्राएं इस बार नहीं निकलेंगी। गलता सहित अन्य तीर्थों पर भक्तों का कुंडों पर जाना निषेध रहेगा। शहर के प्रमुख झारखंड महादेव मंदिर में इस बार भी मेले का माहौल नदारद रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।